तो जिस व्यक्ति को बनना है सिविल सेवक, उसके एप्टीट्यूड में क्या क्या होना चाहिए कर लेते हैं। एक सिविल सेवक में क्या क्या होना चाहिए, तो अगर मैं केवल सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर टू को ध्यान रख के बोलूँ तो उसमें एक तो आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आपकी अच्छी है या नहीं है, इससे आपकी कौन सी इंटेलिजेंस या एबिलिटी पता लगती है, लिंग्विस्टिक। तो पहली बात है कि एक सिविल सर्वेंट का जो भाषाई परिपक्वता है या भाषाई बुद्धिमत्ता है, उस दृष्टि से उस व्यक्ति को बेहतर होना चाहिए। क्यों बेहतर होना चाहिए, अभी देखते हैं। मतलब अगर मैं सरल सी भाषा में कहूँ ना, तो एक समय के बाद आपको केवल भाषा में ही काम करना होता है। अभी आपके लिए आईएएस का मतलब होता हो कलेक्टर्स, कि निकलू तो टॉय 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 टॉय, और मैं अंदर बैठा हूँ, 50 लोग बाहर दौड़ रहे हैं साथ साथ, कलेक्टर साहब गाड़ी में है, गाड़ी रोके समय सलाम ठोका और आपको लगा हा 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 तसल्ली मिल गई एकदम, नेहरू विहार सफल रहा, इतने साल तपस्या के नाले के पास बैठ के मजा आ गया। कुछ लोगों के दिमाग में इतना रहता है, और उनका मतलब आईएएस बने क्या होता है कि खड़े खड़े फैसले कर दिए, खाप पंचायत की तरह से, इस उम्र निकलो सब, ये इस मूड में जो लोग रहते हैं ना। लेकिन आप पाएंगे कि 7-8-9 साल की नौकरी के बाद, 14 साल के बाद तो पूरी तरह से, जहाँ 14 साल की नौकरी हुई वनवास शुरू, 14 साल का नहीं होता, 14 साल के बाद होता है। और वनवास का मतलब अगर ये शौक है तामझाम वाला, वो सारा तामझाम खत्म, और फिर आपकी ज़िंदगी कटेगी फाइलों में, पर उस हर फाइल की ताकत इतनी ज़्यादा है जितनी ताकत ज़िले के कलेक्टर की बिल्कुल नहीं हो सकती। कलेक्टर तो बहुत चूहा टाइप का है, पिद्दी टाइप का है, उसके सामने उस फाइल में लिखा हो कुछ, कलेक्टर बेचारा खड़े होकर पढ़ता है, बैठ के पढ़ नहीं पाता, उसको इतना खौफ खाता है उससे। पूरी ज़िंदगी आपका काम है लिखना और ठीक से पढ़ना। हज़ारों रिपोर्ट्स आएंगी, वो सारी पढ़नी होंगी, उनका सटीक अर्थ निकालना होगा, नोटिंग करनी होगी, ड्राफ्टिंग करनी होगी। आपके लिखे हुए एक एक शब्द से कई हजार करोड़ का खर्चा हो जाएगा, और अगर लिखने में आपसे एक शब्द के अर्थ का मतलब चेंज हो गया ना, वो सरकार या समाज के संसाधनों पे बड़ी करारी चपत हो सकती है। इतनी सटीक भाषा होनी चाहिए कि आप जो लिखना चाह रहे हैं एग्जैक्टली वही अर्थ निकले। और दूसरा, अगर कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो जो लिखा गया है एग्जैक्टली वही समझें जो लिखा गया है। दूसरा है जिसको आप बेसिक मैथ्स कह लीजिए या बेसिक न्यूमरेसी कह लीजिए, इसी में डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी को भी जोड़ लीजिए। बेसिक मैथ्स, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी। मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ बच्चों को इसका नाम सुनते बुखार होने लगता है कि ये क्या बात हुई, ये क्यों पढ़वा रहे हैं, हम तो आईएएस बनने आए थे, गणितज्ञ थोड़ा ना बनना है हमें। सबसे अच्छा मुहावरा है, हमें ज्ञानी नहीं बनना है, आईएएस बनना है। जैसे ज्ञानी बनना आईएएस बनने के खिलाफ हो कि अरे आईएएस बनने से ज्ञानी बन गया अब तो, ये अभी आईएएस ही बन पाएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। और कई लोग मानते हैं कि ये सब बेकार की बात है, लेकिन आप आईएएस बन के क्या करेंगे इसके बिना? परसेंटेज निकालनी पड़े तो उसके बाद आप कहते हैं, किसी को बुलाते हैं, भाई परसेंटेज निकाल लो जरा, भाई साहब परसेंटेज निकालनी आ जाओ जरा, कैसे काम चलेगा? आपको ज़िला संभालना है, ज़िले का पूरा बजट आपके पास है, हज़ार तरह के खर्चे हैं, कौन सा खर्चा किस मद में किस तरह से हो, जब तक आपको डेटा समझ में ना आता हो, पिछले 10 सालों की रिपोर्ट्स आप तुलनात्मक रूप से किसी पाई चार्ट से या किसी टेबल से ना समझ पाते हो, जिस टेबल में 3 या 4 तरह के फैक्टर शामिल हुए, टेबल पढ़ने माथा खराब हो जाता हो, समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे पढ़ें इसको, एक टेबल बनानी पड़ जाए, टेबल बनी नहीं रही आपसे, मल्टीपल फैक्टर वाली टेबल। आप बिना डेटा को समझे, बिना डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखे, कैसे उस सारे फंड्स के एलोकेशन को समझ पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे जो करना है? आईएएस या आईपीएस बनने डंडा नहीं लाना होता, डंडा घुमाना बहुत छोटी बात है। आईएएस आईपीएस बनने के बाद, स्पेशली आईएएस बनने के बाद, आपको देश के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। और जो व्यक्ति, भाई आप आईपीएस ही बन गए, सभी राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े अपराध के आपके सामने रखे हुए हैं, आपके ज़िले में पिछले 5 साल के अपराध के आंकड़े तुलनात्मक रूप से कोई वेन डायग्राम चार्ट में है, कोई टेबल में है, कोई ग्राफ में है, और आप कह रहे हैं किसी को बुलाओगे समझा के बताओ क्या लिखा है इसके अंदर। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ आपको मैं, जो लोग आईआरएस बन के जाते हैं ना, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, उनके जो जूनियर्स होते हैं असिस्टेंट, वो आते हैं एसएससी से, ठीक है, एसएससी जानते हैं ना, और एसएससी में क्या पूछते हैं, गणित आनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, और वो गणित रीजनिंग इंग्लिश में इतने इतने हाई लेवल के लोग होते हैं, ज़बरदस्त उनकी पकड़ होती है इन चीज़ों में, रीजनिंग उनसे आप रीजनिंग चलते पूछिए, सभी जैसे कुत्ते बोलेंगे हाँ हाँ चलो आगे बताओ, सारे कुत्ते गिलास हैं, खराब ऐसे जवाब देंगे तो बढ़िया,
और वो बनते हैं रेवेन्यू में असिस्टेंट। तो असिस्टेंट है यानी प्रमोशन के बाद बनेगा ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर, और ITO लंबी प्रमोशन के बाद बनेगा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि आप बनेंगे ज्वाइनिंग के दिन ACIT। और ये SSC वाला व्यक्ति 11 साल की सर्विस के बाद ACIT बनेगा, जो आप D1 पे बनेंगे। असली बात आप सुनो, कई ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स होते हैं, IRS बन गए, अकाउंटिंग आज तक सीखी नहीं है क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़े अकाउंट्स, आर्ट्स पढ़े हुए थे, मैथ्स आता नहीं है, CSET में रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन से काम चल गया था, क्वालिफाई कर लिया था, इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी माध्यम से है, इंग्लिश उतनी ही आती है कि बाई चांस क्वालिफाइंग पास हो गया मेंस में, पीली चिट्ठी नहीं आई। ठीक, ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत सारे लोगों में होता है, बहुत लोगों में है। और इंटरव्यू ठीक से हुआ, सीधे IRS में लैंड किया, ट्रेनिंग हुई IRS की, ट्रेनिंग में आते हैं CA, इनकम टैक्स एक्ट सिखाते हैं, और इस आदमी का दिमाग का धुआं हो जाता है इनकम टैक्स एक्ट समझ के। इनकम टैक्स कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, उसको लग रहा है कि अरे यार औरंगजेब कहाँ चला गया, हमें तो उसमें मजा आता था, ये क्या क्या सिखा रहे हैं हमें और क्यों सिखा रहे हैं। उसके बाद फाइनल हो गया, ट्रेनिंग पूरी हुई, ट्रेनिंग में पास करना ट्रेनिंग एकेडमी की नैतिक जिम्मेदारी होती है, वरना UPSC पे सवाल उड़ जाता है। तीसरा है रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल्स, क्योंकि आपको बेसिकली हर चीज का रीजन समझने की क्षमता हो और आप रीजनिंग से सही फैसले निकाल सके। IAS बनने के बाद, सिविल सर्वेंट बनने के बाद बेसिकली जीवन भर आपको केवल सही फैसले करने हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं आपके पास हैं, उनकी ठीक से प्रोसेसिंग कर ली और उस प्रोसेसिंग के बेस पे एक सही रीजनिंग का इस्तेमाल करते हुए ठीक फैसला कर लिया, इतना ही करना है। इसके लिए आपकी रीजनिंग की पावर अच्छी होनी चाहिए। रीजनिंग की पावर का मतलब वही नहीं होता सभी कुत्ते गधे हैं, सभी गधे बैलगाड़ियां हैं, वो नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब दिमाग विश्लेषणात्मक तरीके से चलना चाहिए, तार्किक रूप से चलना चाहिए, और ये CSET में भी आता है। और अगर मैं कहूँ कि एनालिटिकल स्किल्स की परीक्षा करने के लिए GS मेंस तो है ही, विशेष रूप से ऐसे भी है, ऐसे के पेपर में लिखा ही होता है कि ये पेपर एनालिटिकल स्किल्स की परीक्षा करने के लिए है। कितना अच्छा है, जिस व्यक्ति की भाषाई क्षमताएं ठीक हैं, जिसको बेसिक मैथ्स डेटा वेटा समझ में आता है, अगर आपको पहलवान बनना हो तो इसी जरूरत नहीं बीच वाले की, है ना, पहलवान के लिए जो चाहिए वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको सिविल सर्वेंट बनना है भाई, सीधी सी बात है ना, ऐसे ही रीजनिंग बेसिक लेवल पे आती हो। चौथी बात है डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी ठीक हो, और CSET में ये भी आता है, क्योंकि अंततः जीवन भर क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। आप कलेक्टर कुर्सी बैठे हैं, गद्देदार कुर्सी, बहुत खुश है, बहुत मजा आता है। फोन आया कि दंगा हो गया सर, आपने कहा तो चलना होगा फिर, तो तब तक दूसरा फोन आया, शहर के दूसरी तरफ एक और दंगा हो गया है, इधर सामुदायिक दंगा हो गया है, उधर जाति दंगा हो गया है, एक ही जगह जा सकते हैं, फैसला करो सर कहाँ जाएंगे। आपके रुको नोट्स निकालता हूँ, पहले बार नोट्स मिली नहीं, कहाँ जाना चाहिए, ऐसे में क्या होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, और साथ में कौन सी स्किल चाहिए, लीडरशिप स्किल चाहिए। और लीडरशिप का एक खास मतलब होता है इंटरपर्सनल स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स, जो CSET के पाठ्यक्रम में पूरा का पूरा, कितना अच्छा सिलेबस है। इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, इन्हीं को मिला के मोटा मोटा बोल दीजिए लीडरशिप स्किल्स। भाई आप करेक्टर हैं, मजाक थोड़ा है, लोग दंगा करने पे उतारू हैं, आप वहां पहुंचे हैं, आपकी कार देख के, टाइम देख के ऊपर लोग 5 मिनट में रुक जाते, दंगा रुक देते, रुक रुक कलेक्टर साहब आए हैं, इतना वजन तो है आपकी गाड़ी में, आपकी गाड़ी में, आपकी सत्ता में, आपके साथ जितने स्टाफ के लोग जाएंगे उसको देखते ही 5 मिनट का विराम तो हो जाएगा। अब 5 मिनट का विराम आप स्थायी विराम बना पाते हैं या 5 मिनट के बाद आप भी उनके अंदर लिपट गए हैं, इतना ही अंतर है। और जिसने वहां जाके आंख से आंख मिला के बात ठीक से की और कन्विंस करके समझा दिया सबको, और हजारों की भीड़ के बीच में बिना डरे अपनी बात कही और धमका भी ठीक से दिया, इतना प्यार मोहब्बत से और ऐसा धमकाया कि धमकी लगी भी नहीं और धमकी लग भी गई एकदम, फिर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कलेक्टर से पंगा बोलने से, कलेक्टर की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, पर इसके लिए चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स। वहाँ आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो बहुत अंतर्मुखी हूँ, मैं कहाँ ले आया मुझे, ये दंगा करने वाले सारे मेरे ऑफिस नहीं आ सकते क्या, पहले मेरे ऑफिस आके बात करें फिर दंगा दंगा खेलें उसके बाद, ऐसा थोड़ा होगा। सड़क पे उतरना होगा हजारों लोगों के बीच में, तब उनसे बात करनी होगी और आँख से आँख मिला के, भाई साहब ठीक नहीं है, कह रहे कलेक्टर साहब हम तो ऐसा करेंगे, आप कह रहे नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे, सर हम तो करेंगे, नहीं नहीं आप नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ आप नहीं करेंगे, करोगे तो आखिरी बार करोगे, ये कान में बोलना है, तुम्हारे घर में 4 मेंबर्स हैं ना, 4 उठवा लिए मैंने, ये कान में बोलना है, अब चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए मेरे साथ चलो और अपने सारे साथियों को बोलो हथियार डाल दो वरना मैं फ़ोन घुमा रहा हूँ, और आज दंगे में कई लोग मरेंगे ही, तो 4 मर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कैसे मरे, करूँ फ़ोन, ये क्या बात हुई, बस बात यही हुई है, यही बात है, ये तो राज्य ऐसा नहीं होता, संविधान में आर्टिकल सारे मैं पढ़ा, वही पढ़ के पास हुआ मैं IAS में, इतने पढ़ा दूंगा आर्टिकल भूल जाएगा सारे आर्टिकल, चुपचाप सबको घर भेज दे, समझ गया, दूसरे धर्म वाला खुश हो गया, इधर तेरे घर के भी है मेरे पास, तो हीरो मत बन, इतना तोड़ूंगा अकेले में बोला के, इतना तोड़ूंगा हड्डियाँ गिन नहीं पाओगे कि हड्डियाँ की पसली है, पता नहीं चलेगा, अब बाहर चलो मेरे साथ मुस्कुराते हुए, गले मिलते हुए एकदम, और पूरे समाज को बोलो कि मामला सुलझ गया है, वरना कभी सुलझेगा नहीं, ध्यान रखना, चल। इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं बचती, फिर लोग बाहर जाएंगे, मामला सुलझ गया भाइयों बहनों, अब अपने अपने घर जाओ और मैं अपने घर वालों को ढूंढता हूँ, ये होता है,
कलेक्टर बनना, एसपी बनना मजाक छोड़ना भाई, सफल एसपी बनना, एसपी तो बनी जाओगे, सफल एसपी होना, सफल कलेक्टर होना, उसमें ऐसी ऐसी मुश्किल सिचुएशंस आपके सामने आएंगी और जिसने झेल लिया, मतलब ऐसे में कुछ लोगों को जानता हूँ एसआईपीएस में, वो इतने प्रिय हैं सरकारों के, मतलब हमारे विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, सीएम के दिमाग में एकदम स्पष्ट रहता है कि जो जिला किसी से संभलेगा ही नहीं, पुलिस की बात कर रहा हूँ, तो दंगा फसाद कुछ भी हो सकता है, इतना सेंसिटिव जिला है, सीएम अपनी मीटिंग में एक ही बात कहता है, टैक्स को भेज दो, खत्म बात। और क्योंकि सीएम होम मिनिस्टर भी खुद ही होता है आमतौर पर राज्य में, तो सीएम के पास ही पुलिस डिपार्टमेंट होता है, तो सीएम सीधे उसको बुला के बोलता है यार वो जिला संभाल लो 6 महीने, उसको ठीक करो, फिर अगला जिला देंगे, 5 साल में 12 जिले ठीक करने हैं तुम्हें, ऐसी छवि। और ऐसी छवि वाले लोग वो नहीं है जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, उनको बस ये पता है कि डिसीजन कैसे लेना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, लोगों से कैसे डील करना है, दंगाइयों को कैसे मैनेज करना है, कैसे डराना है, कैसे पुचकारना है, ये सब पता है। ऐसा आईपीएस जो टॉपर नहीं था पढ़ाई लिखाई में, लेकिन जिसने हैंडलिंग बहुत शानदार की, वही तो अच्छा है। आईआईटी का टॉपर था, यहाँ के आईआईटी खेल रहा है, तो क्या फायदा हुआ उसका, उससे क्या होगा उससे। तो ये सब क्षमताएं अगर किसी व्यक्ति में है तो हम कहेंगे उसके पास सही एप्टीट्यूड है सिविल सर्वेंट बनने का।